बच्चों वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। तो इसमें हम लोग किस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, 1700 से 1750 के बीच में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इस पीरियड को मेडिवल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। 1700 से 1750 तक के बीच में जो भी टाइम था उसको मेडिवल पीरियड कहा जाता है। तो अब आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर के मैं इस वीडियो चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग को मिलते रहे। और आप लोग फुल वीडियो को देखना, आप लोग को ये टॉपिक ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 1750 इज़ अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस, लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट डैट अकर्ड ओवर द पीरियड। तो ये हिस्टोरियंस लोग जो पास्ट के बारे में पढ़ रहे थे, उनके लिए इस समय को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि उस इस पीरियड में 1700 से 1750 के बीच में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत लार्ज स्केल में डेवलपमेंट्स हुआ था, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी था, जिसको स्टडी करना हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, उस समय में अलग अलग समय में अलग अलग टेक्नोलॉजीज आए थे। जैसे कि देखो, न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस, जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन के लिए। देखो, व्हील इन इरिगेशन, द स्विलिंग व्हील इरिगेशन, पर्शियन व्हील का मतलब होता है, देखो यहाँ पे नीचे इमेज दिया हुआ है, इसको पर्शियन व्हील कहा जाता है। इससे यहाँ पे इस तरह से पानी डालते हैं और ऐसे करके पानी ऐसे करके मतलब खेत में गिरता है, ठीक है, इसको पर्शियन व्हील कहा जाता है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था मेडिवल पीरियड में ही। और क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील जो चरखा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी जी को चरखा चलाते हुए, है ना, वो यूज़ किया जाने लगा था वीविंग, बुनने के लिए, बुनने के काम के लिए। एंड फायर आर्म्स, फायर आर्म्स मतलब बारूद का यूज़ किया जाने लगा था लड़ाई करने के लिए, लड़ाइयों में, कॉम्बैट्स में, ठीक है। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, बहुत सारे न्यू फूड, खाने पीने के चीज़ें आए थे हमारे कंट्री में, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली टी, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सारे आए थे। रिमेंबर डैट ऑल दीज इनोवेशंस, ये सारे जो न्यू चीज़ें हमारे कंट्री में आए, ये सारे और न्यू टेक्नोलॉजीज आए, क्रॉप्स आए, ये सारे न्यू केम अलॉन्ग विद द पीपल, ये किसके साथ आए थे? जो बाहर से लोग जो हमारे कंट्री में आ रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए, उनके साथ ही ये सारे न्यू चीज़ें और न्यू टेक्नोलॉजीज भी हमारे इंडिया में आए थे। हु बॉट अदर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ के साथ साथ ये सारे चीज़ें भी हमारे यहाँ लेके आए। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पीरियड जो है ना 700 से 1750, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे कंट्री में उस समय बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस आए थे। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस, हम लोग चैप्टर 5 में और भी ज़्यादा अलग अलग चेंजेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जॉब के लिए, मान लो, ठीक है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फ्यूचर, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट, हमारा इंडिया को बताया जा रहा है, हमारे इंडिया में ना बहुत ज़्यादा इमेंस, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ था, बहुत पैसा था, बहुत नॉट ओनली पैसे के रूप में, रुपीस के नहीं, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड था, है ना। और जैसे कि मान लो हमारा जो कंट्री है, जैसे कि मान लो गुजरात है ऐसे करके, है ना, इधर का साइड में तो सारा सी है, तो यहाँ पे सी प्रोडक्ट्स पाए जाते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। फिर ये पार्ट जो है ना, गंगा, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत सारे प्लेट्यूज थे जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। और इसी तरह से इसी के कारण हमारे इंडिया को बहुत ही ज़्यादा वेल्दी बताया गया था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो उस समय में ये भी बताया जाता था कि हमारा इंडिया जो है ना, उसको सोने की चिड़िया कहते थे वो लोग, ठीक है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वेयर द राजपूत्स, तो उस समय में एक ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हुए थे, जिसको राजपूत कहा जाता था। ये राजपूत किस वर्ड से डिराइव हुआ है? राजपुत्र, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ द रूलर, मतलब किंग का बेटा को राजपुत्र कहते हैं, और उसी से राजपूत वर्ड डिराइव हुआ है।
बिटवीन द 8th एंड 14th सेंचुरी, 8th से 14th सेंचुरी के बीच में द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ज़्यादातर ये वर्ड जो है ना, ये ज़्यादातर वर्ड वॉरियर्स का मतलब होता है युद्धा, योद्धा जो कि युद्ध करते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया जाता था। हु क्लेम्ड क्षत्रियाज कास्ट स्टेटस, जिनको क्षत्रिय भी कहा जाता था, मतलब राजपूत लोग जो थे ना उनका जो कास्ट था ना वो मतलब क्षत्रिय कास्ट था, ठीक है, जो लोग मतलब युद्ध में जाते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, ये पर्शियन व्हील का इमेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पिक्चर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट द शिफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स। फिर राजपूत का मतलब नॉट ओनली मतलब राजा का पुत्र को ही ओनली राजपूत नहीं कहा जाता था, इसका मतलब और भी कुछ था, क्या था, नॉट ओनली जस्ट रूलर्स राजा को, चिफ्टेंस मतलब सरदार के लिए, बट ऑल्सो सोल्जर्स और कमांडर लोग के लिए भी क्षत्रिय वर्ड यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। हु सर्व्ड इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द कंटिनेंट, जो कि सोल्जर्स और कमांडर्स लोग जो अलग अलग रूलर्स के अंडर में काम करते थे और हमारे हमारे इंडिया में, तो उन सब के लिए जो लोग मतलब युद्ध करते थे उन सबको क्षत्रियज नाम से बुलाया जाने लगा, ठीक है। अ शिवलरी कोड और कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलोर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयलिटी वेयर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड बर्ड्स। तो उस समय के राजा के ना पोएट्स होते थे अपने उसके दरबार में, उसके कोर्ट में ना एक पोएट होता था जो कि सबके बारे में लिखते थे, प्रशस्ति भी है ना, जो राजा के बारे में जो ये लिखते हैं ना उसके राजा के तारीफ में जो प्रशस्तीज लिखते हैं ना, तो इसी तरह से पोएट्स लोग और भी कुछ कुछ लिखते थे। पोएट लोग राजपूत के बारे में क्या लिखा करते, वो लिखते थे कि राजपूत लोगों का ना बहुत शिवलरिक कोड है, बहुत एक एक्सट्रीम बहुत ही मतलब सिविलाइज्ड कोड है, कि क्या राजपूत कैसे होते थे, उनके पास एक्सट्रीम वैलर होता था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा साहसी होते थे और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग बहादुर होते थे, ऐसा वो लोग लिखा करते थे। और बार्ड्स मतलब भी वही होता है जो लिखने का काम करते, पोएट्स और बार्ड्स सेम है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थास, तो इस तरह से अदर ग्रुप ऑफ पीपल भी जैसे मराठा, सिख और कायस्थास, जाट्स और अहोम भी उस समय में अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, और उस समय में ये सारे अलग अलग ग्रुप्स भी पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट धीरे धीरे होते जा रहे थे, मतलब राजपूत के साथ साथ ये सारे मतलब ये सारे ग्रुप्स भी मतलब आगे बढ़ रहे थे। थ्रू आउट दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या हुआ, देर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को ग्रेजुअली बहुत बहुत तेजी से काटा जाने लगा, एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जंगलों को काट के वहाँ पे खेती करने मतलब खेती बाड़ी का जगह बनाने लगे। अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज देन अदर्स, किसी किसी जगह में बहुत जल्दी पेड़ों को काटा जा रहा था और उसे एग्रीकल्चर लैंड बनाया जा रहा था, और किसी किसी जगह में यह काम बहुत स्लोली हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, जो जगह ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा है ना वहाँ पे जल्दी कटाई होगा, जो जहाँ ज़्यादा बंजर होगा तो वहाँ पे धीरे धीरे पेड़ों को काटा जा रहा था। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, तो हैबिटेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का रहने का जो उसका नेचुरल क्लाइमेट होता है, नेचुरल जगह होता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब ड्वेलर्स मतलब रहना, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनका हैबिटेट में चेंज होने लगा, मतलब पेड़ों को काटा जाने लगा, तो बहुत लोग तो उस जगह से माइग्रेट हो गए, मतलब फॉरेस्ट से निकल के दूसरी जगह चले गए। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, और कुछ फॉरेस्ट लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने क्या किया कि वहीं पे वो लोग मतलब टिलिंग द लैंड मतलब लैंड को अच्छे से खोद के वो लोग वहाँ पे पीजेंट्स बन गए, खोद के वो लोग ही वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करने लगे, मतलब कुछ जंगल में रहने वाले लोग वहाँ से माइग्रेट नहीं करके दूसरे जगह ना जाके वो लोग वहीं पे खुद से खेती बाड़ी का काम करने लगे। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप्स जो थे ना ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई रीजनल मार्केट से वो लोग इन्फ्लुएंस होने लगे, चिफ्टेंस, प्रिस्ट्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स से भी इन्फ्लुएंस होने लगे। दे बिकम ये एक बहुत हम उस समय का जो सोसाइटी था उसमें चिफ्टेंस थे, प्रिस्ट थे, मोनेस्ट्रीज थे, प्रिस्ट में साधु संत, मोनेस्ट्रीज जो भी टेम्पल में रहते हैं ना टेम्पल्स, तो वो मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड जो पीजेंट्स थे ना वो लोग भी इस कॉम्प्लेक्स मतलब सोसाइटी के एक पार्ट बन गए धीरे से धीरे धीरे, ठीक है। एंड वेयर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, और उनको भी वहाँ पे रहने के कारण जैसे कि हम लोग इंडिया में टैक्स पे करते हैं ना, यहाँ पे इंडिया में रहते हैं तो सबको टैक्स पे करते हैं, तो उनको भी जो न्यूली फॉर्म्ड पीजेंट्स थे उनको भी मतलब वहाँ के लोकल रूलर या फिर सरदार को आप समझ सकते हो कि उन लोग को टैक्स देना पड़ता था, तो टैक्स के लिए वो पैसे तो नहीं देते थे, वो लोग अपना जैसे कि जो खेती में उगाया जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया,
तो इन सर्विस में वो लोग राइस और व्हीट ही उन लोग को दे देते थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, जिसके कारण सोशल और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डिफरेंसेस आने लगे पीजेंट्स के बीच में भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, हर पीजेंट्स के पास सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड नहीं होता। किसी पीजेंट के पास ज़्यादा लैंड होगा, किसी के पास कम होगा, कोई ज़्यादा दे सकता है, कोई कम दे सकता है। तो पीजेंट्स के बीच में भी ऐसा हो गया था कि कोई ज़्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है। ऐसा सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स ऑल्सो कीप, और कुछ किसी के पास तो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड था, और कुछ तो कैटल्स भी पालते थे, और कुछ तो सम कम्बाइंड आर्टिसनल वर्क किया करते थे, मतलब विथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। जिस समय में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होता था, तो उस समय में वो लोग क्या करते थे, आर्टिसन हाथ से हैंडीक्राफ्ट का काम भी किया करते थे। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वेयर ग्रुप्ड इंटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑन देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। तो सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होने लगा है ना, कोई ऊपर जाति, कोई मतलब किसी के पास ज़्यादा लैंड है, किसी के पास कम है। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब सोसाइटी में जातीज फॉर्म हो गए, ठीक है, और कास्ट फॉर्म हो गए, जाति भी फॉर्म हो गए। और जैसे कि जातीज फॉर्म होने के बाद में सपोज एक जाति के लोग हैं, और इनमें भी बहुत सारे अलग अलग मतलब पार्ट्स होते हैं, इस तरह के फॉर्म हो गए, ठीक है। एंड रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, और किस तरह से रैंक ही होता था, उस जाति के लोग कौन सा काम करते हैं उसके ऊपर उन लोग का रैंकिंग होता था, ठीक है। सपोज उनका अच्छा काम है, उनके पास पावर है, पैसा है, तो वो रैंक वन में होंगे। दूसरे अगर थोड़ा सा उससे नीचे वाले का काम है, तो वो रैंक टू में होगा, इस तरह से। फिर रैंक्स वर नॉट फिक्स, मगर रैंक्स जो ऐसा नहीं था कि फिक्स्ड था परमानेंटली, एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द पावर एंड इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ द जाति। तो ऐसा नहीं था कि वो जो सपोज एक गांव में किसी जाति का आदमी जो है ना, वो मतलब किसी जाति के लोग मतलब सपोज नंबर वन पे है, तो ऐसा नहीं है कि वही जाति के लोग किसी दूसरे गांव पे नंबर थर्ड पे भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता था कि उस सपोज जिस गांव में जिस जाति के पास ज़्यादा वेल्थ होगा ना, तो वही नंबर वन पे होगा। तो इसी तरह से ऐसा नहीं था कि कोई जाति को बांध दिया गया था तो यही रैंक वन होगा, तो हर गांव में रैंक वन में होगा, ऐसा नहीं था। हर हर गांव में मतलब जाति का जो रैंकिंग होता है वो ऊपर नीचे होते रहता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अच्छा, होपफुली आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, अभी जस्ट मैंने वही समझाया। नेक्स्ट नीचे देखते हैं। जातीज फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जातीज के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते थे अपने टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ताकि उनके ग्रुप के जो मेंबर्स थे ना, वो अच्छे से रहे, है ना, पीसफुली रहे। दिस रेगुलेशंस वेयर एनफोर्स बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत। तो और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते थे, तो उनके जाति में जो सबसे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे ना, वो लोग उन लोग का एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हुआ करता था, जिसको जाति पंचायत कहा जाता था। वो लोग ही इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते थे रिस्पेक्टिव अपने अपने जातीज के लिए। बट जातीज वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस। मगर ऐसा नहीं था कि जातीज अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेंगे तो बस उसी को फॉलो, मगर उन लोग को विलेज का रूल्स जो कि लोकल रूलर लोग फिक्स करते थे, उसको भी उन्हें फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वेयर गवर्न बाय द चिफ्टेंस। मगर बहुत सारे विलेजेस को कौन गवर्न करना था, चिफ्टेंस गवर्न कर। चिफ्टेंस कौन होते हैं, सरदार, जिसको राजा अपॉइंट करता है, ठीक है। टुगेदर दे वेयर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। और इस तरह से सारे गाँव को एक साथ मिला दे तो एक स्टेट बन जाता है। नेक्स्ट पेज। अच्छा, तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रीजन एंड एम्पायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।